नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने कंपनी में गोडाउन को मेंटेन कर सकते हैं या फिर स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गोडाउन और स्टॉक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं और उनका अगर दो तीन गोडाउन है तो कभी भी बॉस आपसे पूछ सकता है कि बताओ इस गोडाउन में क्या सामान है और इस गोडाउन में क्या सामान है। तो उस केस में आपको गोडाउन क्रिएशन एंड स्टॉक ट्रांसफर का जरूरत पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि किस तरीके से टैली में गोडाउन का ऑप्शन को यस करना है और किस तरीके से उसकी एंट्री करनी है और किस तरीके से उसका चेक रिपोर्ट देखना है। तो वीडियो के लास्ट में बने रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोट्स को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और किसी तरह के डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आपके सारे कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। और बेल आइकन जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको आने वाले वीडियो में मिलता रहे। तो ये है आप लोगों का सिलेबस गोडाउन क्रिएशन एंड स्टॉक ट्रांसफर का, ठीक है। इसमें आपको देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हुआ है, परचेज 10 केस डाबर रेड टूथपेस 50 ग्राम का, जो कि 36 का पेटी आता है, 20 रुपये MRP है, ठीक है ना। 575 रुपये का एक पेटी का दाम है। और कहाँ खरीद रहे हैं हम लोग? कतराज गोडाउन में खरीद रहे हैं। तो इस पूरा एग्जांपल को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन में आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट गोडाउन, हम लोग को गोडाउन क्रिएट करना है। गोडाउन कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले टैली ओपन करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टैली 10.2 और कुछ क्लास के बाद यानी एक दो क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टैली ERP 9, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैली प्राइम। तो 7.2 में जिस तरीके से काम होता है वैसे ही टैली ERP 9 में होगा, उसी तरीके से टैली प्राइम में होगा। कुछ कुछ शॉर्टकट की अलग है, कुछ कुछ सेटिंग अलग है, बाकी सब कुछ लगभग सेम होगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने का जरूरत नहीं कि अरे यार हम लोग तो 7.2 पढ़ रहे हैं, ERP 9 में काम करेंगे तो क्या होगा। जब हम लोग ERP 9 पढ़ेंगे तो जितना भी चीज़ अभी तक हम लोग 7.2 में पढ़े हैं वो सारा चीज़ को हम लोग ERP 9 में दोबारा से पढ़ें, ठीक है ना। और ERP 9 का एक कम्प्लीट सिलेबस YouTube पर अपलोडेड है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उस कंप्लीट सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉक ट्रांसफर और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेजर ट्रांसफर, फिर कंपनी स्प्लिट और डेटा बैकअप। उसके बाद हम लोग का ERP 9 स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग टैली प्राइम पढ़ेंगे और उसके बाद टैली का, उसके बाद हम लोग ई रिटर्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं स्टॉक ट्रांसफर, तो सिलेबस को ओपन करते हैं और एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। तो ये रहा हम लोग का सिलेबस। सबसे पहले हम लोग को गोडाउन क्रिएट करना है। अब इसके लिए हम लोग को कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी क्रिएट करना आप लोगों को आता है, इसलिए हम डिटेल में आप लोग को नहीं बता रहे, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनी ओपन करते हैं। कोई भी बना बनाया कंपनी हम ओपन कर ले रहे हैं। अगर आपको नया कंपनी बनाना है तो आप न्यू कंपनी बना करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलिए न्यू कंपनी बना लेते हैं ताकि जो पहली बार टैली ओपन कर रहे हैं, पहली बार टैली में काम कर रहे हैं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं कंपनी क्रिएशन, और कंपनी क्रिएशन में जाकर के हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं श्री बालाजी सेल्स, ठीक है। कंपनी का एड्रेस लिखनी है कतरास, धनबाद स्टेट झारखंड 828113, यूज इंडियन वैट। हम लोग को GST का काम करना है तो इस ऑप्शन को हमेशा यस रखिएगा। जब ERP 9 में काम करेंगे तो उसमें क्या होता है, पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद GST का ऑप्शन को यस करना होता है, ठीक है। और 7.2 में साथ के साथ आप कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यस करेंगे, यहाँ पर हम लोग GST नंबर डालेंगे। GST नंबर कैसा होता है मालूम है सबको, 20 फिर 5 अल्फाबेट। 20 क्या है, झारखंड स्टेट कोड है, ठीक है ना। बिहार का 10, यूपी का 19, बंगाल का 09। तो इस तरह से हर स्टेट में अपना अपना कोड होता है, ठीक है। तो 20 5 अल्फाबेट 4 नंबर, 1 अल्फाबेट 1 नंबर, 1 अल्फाबेट 1 नंबर, ठीक है। इंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे के साथ को कंपनी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में 1/4/23 और बुक्स बिगनिंग में 1/4/23, दोनों में सेम डेट रखना है, एक्सेप्ट कर लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को GOT में F11 दबाना है। और F11 दबाने के बाद देखेंगे आपको ये नोट्स हम दे देंगे, ठीक है ना। नोट्स को देख देख करके ये काम करिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, एकदम प्रैक्टिकल नोट से। तो सबसे पहले GOT में F11 दबाना है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, दिख रहा सबको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F11 दबाते हैं। F11 से क्या खुलता है, फीचर, और F12 से क्या खुलेगा, कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो दोनों का सेटिंग अलग अलग है, ध्यान से हम लोग एक एक करके सारा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले से बहुत सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मेंटेन मल्टीपल गोडाउन पर यस करिएगा। ये ऑप्शन आप अगर आप एक बार यस कर देते हैं दोबारा नो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार यस कर लिए तो फिर दोबारा नो नहीं होगा, ठीक है। किसी भी कंपनी में इसको यस करेंगे दोबारा नो नहीं होगा। तो GOT में अपने दबा दिए, इसके एक्सेप्ट कर लिए। अब क्या करना है, क्रिएट योर गोडाउन। तो GOT में जाना है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, गोडाउन में जाना है, क्रिएट करना है। आप इस नोट्स को देख देख के भी प्रैक्टिस कर लेंगे, हम नहीं भी बताएंगे तब भी, बट एक बार हम बता दे रहे हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। डिटेल क्या कुछ है ही नहीं, छोटा सा ऑप्शन है, बस हो गया। अब जैसे जैसे परचेस करते हैं बस वैसे ही परचेस करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाइए,
गोडाउन में जाइए और यहाँ पे क्रिएट करिए, ठीक है। एक तो गोडाउन पहले से बना हुआ रहता है जिसको मेन लोकेशन यानी कि आपका दुकान हो गया, है ना। तो मेन लोकेशन का मतलब आपका दुकान है ना, और गोडाउन अगर आप रखते हैं आपके पास तो क्रिएट कर लीजिए। तो हम एक लिख लेते हैं कतरास, ठीक है, और एक लिख लेंगे धनबाद, ठीक है। ये सारा चीज़ ये नोट्स में देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन शॉट के साथ, तो दिक्कत होगा आप लोग को कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। स्टेप टू में क्या करना, पास परचेज वाउचर, जहाँ पे हम लोग ठीक है गोडाउन क्रिएट करते हैं, परचेज नहीं पास करते हैं, काउंटिंग वाउचर में जाकर के F9 दबाना है। चलिए जाते हैं हम लोग GOT अकाउंटिंग वाउचर F9, और यहाँ पर परचेज करेंगे। सबसे पहले बिल नंबर देना है, तो देखिए अगर आपके पास में एग्जांपल में बिल नंबर अगर है लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने मन से बिल नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिंक देते हैं क्या, तो हम लिंक देते हैं DB/123456। इस तरह से आप कुछ भी बिल नंबर लिख सकते हैं। या मान लीजिए आपका कंपनी का नाम है डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, तो लिखेंगे डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड DIPL, ठीक है, /23/24/116। तो इस तरह से जो भी बिल आपका बिल नंबर में रहेगा उसको देख के लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है, ठीक है। पार्टी का नाम अल्टी से हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं, डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंडर जाएगा संदीप क्रिएटर, ये समय कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका एड्रेस पूरा लिखिएगा, है ना, रजिस्ट्री नंबर पूरा लिखिएगा, अभी हम नहीं लिख रहे हैं। तो उसके बाद क्या खरीद रहे, तो हम लोग खरीद रहे डाबर रेड टूथपेस्ट, कितना 100 ग्राम था, 50 ग्राम का, है ना, 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम × 36 MRP ₹20, यही है ना। आइटम देख लीजिए यहाँ पर ऊपर में एग्जांपल लिखा हुआ है, 50 ग्राम का 36 पीस का पेटी है, ₹20 MRP, और 575 में आप पेटी खरीद रहे हैं विद GST या विदाउट GST, विद GST, तो आपको विदाउट GST लिखना है, और फिर GST जोड़ना है तो 575 रुपये आना चाहिए। आगे बात समझे, मतलब 10 पेटी खरीद रहे हैं ना हम लोग, तो 10 पेटी का दाम कितना होगा, 5750 रुपया, 575 एक पेटी का, तो 10 पेटी का कितना, 57 50, तो 57 50 रुपये आपका बिल अमाउंट होना चाहिए, ठीक है, विद GST जोड़ने के बाद, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर अल्टी से क्या करेंगे, लिख दिए डाबर, इसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, यूनिट में लिखेंगे PCS, है ना, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको यस करिएगा, और यहाँ पर 1 अगस्त को हम खरीद रहे हैं, तो 1 अगस्त का रेट लिख दीजिए। हम लोग कितना में खरीद रहे हैं, 575 का एक पेटी का दाम, तो एक पीस का दाम कितना होगा बताइए, अल्टी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक पेटी का दाम कितना है, 575, नीचे देखेंगे, है ना, 575 डिवाइडेड बाई पहले करूँगा 36, क्योंकि 36 पीस का पेटी है ना, और फिर डिवाइडेड बाय करेंगे, और डाबर रेड टूथपेस्ट 12% डाइट है, मैं तो भागा 1.12 कर दिया, ठीक है। तो मेरा एक पीस का दाम आया 14.26 रुपये, ठीक है, इंटर मारेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, 10% जोड़ के बेचना है, 14.26 रुपये में 10% जोड़ के बेचेंगे, तो ये रेट आपको हमेशा बॉस बताएगा। कभी भी 3 चीज़ में कन्फ्यूजन होगा तो पूछना है, कौन कौन सा चीज़, कोई भी डेट, कोई भी नाम, कोई भी अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे अमाउंट है, तो अपने मन से लिखना नहीं है, बॉस से पूछ लेना कि भैया मार्जिन कितना रखना है, भैया या सेल रेट कितना डाल रहे हैं, तो अपने बोल देंगे 10% जोड़ के चढ़ा दो, या 5% जोड़ के चढ़ा दो, या बोलेंगे MRP से 10% लेस कर दो। तो जो भी दो तरीके आए, दोनों तरीके हम लोग सीखे हैं, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस का सेपरेट क्लास हुआ आप लोग का, देखिए यहाँ पर, है ना, काम ये वाला, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में, इस क्लास में कोई दिक्कत है या इस कैलकुलेशन में किसी तरह का डाउट्स है तो आप कमेंट करेंगे, और इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर वीडियो में 500 लाइक आ जाता है तो हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस का वीडियो हम एक डिटेल में दोबारा से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर अल्टी करेंगे, और क्या लिखेंगे, 14.26 रुपये × 10/100 +14.26 रुपये, यानी कि 14.26 रुपये में 10% हम छोड़ दिए, तो अमाउंट आ गया 15.69 रुपये। अब ये मेरा विदाउट GST है दोनों, अब ऐसा GST जुटे रहा अभी, GST जोड़ेंगे, ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी 12% आइटम में, तो 6-6 लिखेंगे दोनों जगह, है ना, ध्यान देने माइंड को, इंटर मारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर पूछता है गोडाउन, तो यहाँ पर हम लोग ऑयल फीस से लिख लेना है कतरास बना हुआ है ना, ठीक है, तो बना हुआ यहाँ पर देखिए लिख रहा है, अगर नहीं बना हुआ रहता तो अल्टी कर लेते, बना लेते, ठीक है। यहाँ पर क्वान्टिटी में 360 पीस गोडाउन में स्टॉक जाएगा, ठीक है। तो 1 अगस्त का डेट डालिए, रेट आपका देखिए ऑटोमेटिक आ गया 14.26 रुपये, एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर मारिए, ये जाएगा मेरा परचेज 12% अंडर जाएगा परचेज अकाउंट यूज इन वैट रिटर्न यस, और एक्सेप्ट करेंगे, इंटर मारेंगे एक बार और यहाँ लिखेंगे CGST कितना परसेंट, 6% अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस टाइप ऑफ ड्यूटी अदर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 मेथड ऑफ कैलकुलेशन टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट,
ठीक है ना, इसी तरीके से CGST SGST दोनों लगाना है बारी बारी। अगर आपको GST में किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करिए, GST का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा किसी तरह का डाउट है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राउंड अप करना होगा, राउंड अप कर लेते हैं। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको करेंगे एक्सेप्ट 0.36। तो देखिए 5750 रुपये आ गया मेरा 10 पेटी का दाम है ना, यानी 1 पेटी का दाम कितना हो गया 575 चिल्लर है। तो ये मेरा परचेज इंट्री पास हो गया, ठीक है, यहाँ तक काम खत्म। अब हमको करना है इसको सेल, ठीक है ना, सेल नहीं करना, हमको गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर करना है। कहाँ से देख लीजिए, पहला स्टेप हो गया मेरा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है पास परचेज वाउचर, ये भी हो गया। तीसरा स्टेप है स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम कतराज टू धनबाद। अब कतराज गोडाउन से 5 पेटी हम लोग को क्या करना है, धनबाद गोडाउन में ट्रांसफर करना, ठीक है, अभी खाली है ना, तो 5 पेटी ट्रांसफर करेंगे तो 5 पेटी मेरा वहाँ भी स्टॉक होने लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि किस किस गोडाउन मेरा क्या क्या स्टॉक है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, GOT में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और Alt+F7 दबाइए, ठीक है। Alt+F7 दबाएंगे तो क्या खुलेगा, Alt+F7 दबाएंगे तो खुलेगा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो Alt+F7 से यहाँ पर आएगा स्टॉक जर्नल, ठीक है, स्टॉक जर्नल Alt+F7 से अगर नहीं आएगा ना तो यहाँ पर देखिए ओपन से ही आएगा इन्वेंट्री बटन, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। Alt+F7 कब दबाते हैं, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते तब, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिख रहा है सोर्स, तो सोर्स का मतलब हो गया आपका सामान कहाँ से निकल रहा है, और दूसरा तरफ है डेस्टिनेशन, यानी आपका सामान जा कहाँ रहा है। तो निकलेगा कतराज से जाएगा धनबाद, क्या जो निकलेगा वही ना जाएगा, है ना। तो आइटम सेम रहेगा, सिर्फ गोडाउन चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है डाबर रेड टूथपेस्ट 180 पीस, कहाँ से निकालेंगे, कतराज से निकालेंगे, जहाँ स्टॉक रहेगा वो चीज़ नजर आएगा, ठीक है। तो जिस स्टॉक से निकालेंगे देखेंगे ध्यान से, जिस स्टॉक से मेरा जिस गोडाउन से स्टॉक निकलेगा उस गोडाउन का सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी लिखिए, रेट आ गया, सेम अमाउंट को इधर सेलेक्ट करिए, गोडाउन चेंज कर दीजिए और 180 पीस लिख दीजिए। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मैच होना चाहिए, सेम टू सेम, यानी जितना कम सामान निकालेंगे उतना ही सामान आ जाएगा वहाँ पर, तो दोनों सेम रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर में 4 बार 5 बार सामान मेरा गोडाउन से आ रहा है दुकान, तो आपको क्या रखना है, गोडाउन में डायरी रखना है, ठीक है ना। और जब जब सामान वहाँ से आएगा तो उसमें एंट्री करना है, और दिन भर में एंट्री एक साथ आप रात में कर लीजिए। आगे बात समझना है, अगला दिन सुबह सुबह कर लीजिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इस तरफ से हम लोग करेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग को देखना है रिपोर्ट। तो क्या रिपोर्ट देखेंगे, हम लोग देखेंगे चेक रिपोर्ट में GOT, इसमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गोडाउन देखेंगे कि किस गोडाउन में क्या स्टॉक है, ठीक है ना। तो हम लोग जाते हैं कहाँ, GOT, जाएंगे डिस्प्ले, फिर जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर देखिए गोडाउन नजर आ रहा है, तो गोडाउन में क्लिक करिए, देखिए जो जो गोडाउन है सारा दिखेगा। तो एक बार हम क्लिक करते हैं धनबाद, है ना, तो धनबाद गोडाउन में दिखा रहे हैं डाबर रेड टूथपेस्ट मेरे पास 80 पीस है, यहीं पर हम चाहते हैं बगल में कतराज गोडाउन भी दिखे एक साथ एक ही पेज, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए न्यू कॉलम दिख रहा है आप लोगों, ठीक है, तो न्यू कॉलम पर क्लिक करिएगा या फिर Alt+C दबाइएगा, न्यू कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ धनबाद को चेंज कर दीजिए कतराज, तो एक ही गोडाउन में आपका दोनों स्टॉक नजर आएगा इस तरीके, ठीक है। अब एक ही आइटम है तो एक ही आइटम दिख रहा है, आइटम का लिस्ट ज़्यादा रहता तो ज़्यादा दिखता, इसको एक पेज में प्रिंट करना है तो एक पेज में अगर आप प्रिंट करेंगे इस चीज़ को, तो जिस चीज़ को प्रिंट करना है बस उसको ओपन करिए और Alt+C दबा दीजिए, और प्रिंट करने से पहले 4 चीज़ चेक करते हैं, सबसे पहले प्रिंटर का नाम, दूसरा पेपर का साइज, तीसरा नंबर ऑफ कॉपी, और चौथा प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले आप प्रीव्यू देखिए, तो प्रीव्यू देखेंगे हम जैसे इनकम आएंगे ना, तो विथ प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है अपन, अगर नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, अगर नहीं दिखेगा विथ प्रीव्यू और इंटर मार देंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, और डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा तो पता चलेगा हमको एक पेज में निकाल रहा था, ये देखिए 2 पेज में निकल रहा है, दिख रहा है कतराज अलग दिख रहा है, धनबाद अलग दिख रहा है, दिख रहा ना, Page 1 of 1, Part 2 of 2, है ना। तो ये 2 पेज में निकलेगा, तो ध्यान से हमको लैंडस्केप में करना है, इसलिए हम पहले क्या किए हैं, प्रिंट प्रीव्यू को लास्ट में रखे हैं, ठीक है ना। तो पहले प्रिंटर का नाम, तो प्रिंटर का नाम देखिए सेलेक्ट प्रिंटर करिएगा, यहाँ से हमको PDF में प्रिंट करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF रखिए, अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF रखते हैं, इंटर मारेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट्रेट को कर देंगे लैंडस्केप, और एडवांस में जा करके साइज को कर देते हैं A4, और ओके, ठीक है। अब देखिए अब मेरा प्रीव्यू एक पेज में आ रहा है परफेक्ट, यहाँ पर Page 1 of 1 दिखना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, अगर एक पेज में है तो काम करता है। अब इसको दोबारा प्रिंट करना है हमको, प्रिंट अभी तो हुआ थोड़ी है, अभी तो प्रीव्यू दिख रहा है, तो दोबारा Alt+P दबाइए, तो पूछेगा कि कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप में, तो क्या जाएंगे
डेस्कटॉप में जाइए या फिर आप अपना बैच आईडी में इसको सेव करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क में जाना है, 3024 में जाना है, TDT67 में जाना है, ये आपका बैच आईडी है, इसके अंदर चंदन है, उसके अंदर की कलेक्शन रिपोर्ट, फिजिकल स्टॉक, यहीं पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं गोडाउन वाइज रिपोर्ट, ऐसा कुछ लिख देते हैं ना, एक फोल्डर बना देते हैं, क्या नाम से, गोडाउन वाइज स्टॉक, यानी कि किस गोडाउन में क्या स्टॉक है वो हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या नाम से सेव करिएगा, यहाँ लिंक देते हैं गोडाउन रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। गोडाउन रिपोर्ट कब का निकाल रहे, ये आज का निकाल रहे, यानी कि 1 अगस्त का ये निकला है, ठीक है। तो हम आज का अगर डेट डालेंगे तो आज का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लिख देते हैं यहाँ पर 22 अगस्त 2023, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट बनाना और सेव करना, काम खत्म, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट में आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, है ना। सबसे पहले क्या करिएगा, गोडाउन स्टॉक आइटम बनाइएगा आप लोग, ठीक है। कम से कम 2 स्टॉक आइटम होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम 2 ग्रुप भी होना चाहिए, जैसे पतंजलि और डाबर, 2 कंपनी के आइटम, 2-2 को बना दिएगा, यानी 4 को आइटम बना के आपको परचेज करना, ठीक है। और जितना हम लिख रहे हैं उतना करना ही करना है, ठीक है। आप लोग आधा अधूरा करते हैं और चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गोडाउन बना लीजिएगा कतरास और धनबाद, फिर आपको परचेज करना है धनबाद गोडाउन, हो जाएगा ना, धनबाद गोडाउन में परचेज करना है, फिर धनबाद गोडाउन से स्टॉक ट्रांसफर करना है मेन लोकेशन में, ठीक है। हम कतरास से धनबाद में ट्रांसफर दिए, आपको धनबाद से मेन लोकेशन में ट्रांसफर करना है, यानी कि मेरा गोडाउन से सामान उठ के आ रहा है मेरा दुकान, और फिर दुकान से हम आगे सेल करेंगे। तो जब नॉर्मल आप सेल करिए ना, तो आपसे पूछेगा कि कहाँ से सेल करना है, जैसे हम इसको सेल करके दिखाते हैं, ठीक है ना, कैसे सेल कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए डावर रेड टूथ पे किस गोडाउन में स्टॉक है हमको दिख रहा है, मान के चलिए कतरास गोडाउन से 2 पेटी बेचना है, तो 2 पेटी यहाँ से बेच दीजिए 72 पीस, रेट आ गया आपका ऑटोमेटिक, हाँ मेन लोकेशन आपका दुकान हो गया, तो दुकान में भी मेरा स्टॉक नहीं है, दुकान खाली है, है ना। तो आपका स्टॉक कहाँ दिखेगा, एक धनबाद में दिखेगा और एक मेन लोकेशन में दिखेगा, कतरास खाली रहना चाहिए, ठीक है, काम खत्म। तो इस तरीके से आपको सेल करना है, ठीक है ना, और GST वगैरह लगा लेंगे। यहाँ पर क्या दिखाएगा, सेल 12% अंदर जाएगा, सेल अकाउंट एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे CGST 6, SGST 6 और राउंड ऑफ -0.24, ठीक है। 1265 रुपये मेरा 2 पेटी का दाम आया, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, परचेज सेल, परचेज स्टॉक ट्रांसफर फिर सेल, है ना। चलिए आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे बैठे DCA और टैली सीख सके और कहूँगी पार्ट टाइम या फुल टाइम डेटा एंट्री या अकाउंटिंग का जॉब कर सके। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।